देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। परिवार में क्या क्या समस्या है मैडम? हम पूरी तरह से इसी देश से भी नौकरी पर निर्भर है और ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश का शिक्षक जो है रोड पर बैठा है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े होर्डिंग आपने देखे होंगे कि दिल्ली का जो है 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है प्राइवेट स्कूलों से टॉप रहा है, वो हमारी बदौलत रह रहा है। अब हम किधर जाएंगे ये बताओ? जब हमारी एज निकल गई और हम जो है फार्म नहीं भर सकते, अब हम बताओ क्या करें मैडम? ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। फैमिली में जिनकी वजह से ना उनकी नौकरी अच्छी मिलती है, उनका खुद का जीवन भी खतरे में है और ऐसी बहुत सारी समस्याओं से परिवार जूझ रहा है। बारे में रही PGT सोशल साइंस में 28 फरवरी को हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया मैडम। मैं इतना परेशान हूँ, मेरी सिस्टर की शादी है 10 जून, 10 जून की मेरी सिस्टर की शादी है। मैं सोच रहा था कि पैसे का इंतजाम हो जाएगा, इस तरीके से मायूस रोज होकर जाना पड़ रहा है। रोज अगले 2 दिन से कंटिन्यू मैं आ रहा हूँ कि किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़े और हमारे लिए पॉलिसी बने ताकि मैं सिस्टर की शादी सही से कर सकूँ। मैडम इतना मैं परेशान हूँ कि मतलब, और ये पॉलिटिक्स के कारण हमारा बिल्कुल नुकसान हो रहा है। सरकार कह रही है कि हमने आपकी भी पॉलिसी बना दी, कल हम LG साहब के पास जाते हैं वो कहते हैं पॉलिसी आई नहीं। ये मैडम समय समय BJP राजनीति खेल रही है और सरकार की तरफ से पॉलिसी बना के दे दे रही है हमारे साथ बिल्कुल। ये और हमारा तो नुकसान कर ही रही है, हमारे परिवार का नुकसान कर रही है, उसके साथ साथ ये दिल्ली में 22 लाख जो स्टूडेंट है उसका भी नुकसान कर रही है। हम बताओ अब स्कूल नहीं गए कैसे, कैसे रिजल्ट बनेगा, 31 मार्च को हम कैसे देंगे अगले नोट? मैं एक अति शिक्षित हूँ, मेरे पिताजी पिछले 1.5 साल से कैंसर से पीड़ित है और मैं कमाने वाला भी मैं हूँ, साथ में मेरी वाइफ भी बीमार है, वो भी घर पे बैठी हुई है। कहाँ से लाएं आप बताओ? 2014 से मैं गेस्ट टीचर हूँ, आपको बताऊँ मेरे को रोना तो नहीं आ रहा वहाँ पे।